आज मैं जैस्मिन मॉल को इसलिए आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था बिकॉज इसी का सबसिक्वेंट प्रोजेक्ट है जैस्मिन ग्रैंड मॉल, जिसकी हमने आज के व्लॉग में बात करनी है। अब जब आज डेवलपर्स के पास 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, सेकेंडली उनके ब्रांड्स के साथ अच्छे कनेक्शंस बन चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सफीउल्लाह नदीम फ्रॉम सीडीबी प्रॉपर्टीज। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए रियल स्टेट से रिलेटेड न्यू प्रोजेक्ट्स और न्यू अपडेट्स लेके आते रहते हैं। आज हम क्यूलिंग्स के प्रोजेक्ट जैस्मिन ग्रैंड मॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर हम क्यूलिंग्स डेवलपर्स की बात करते हैं तो ये इस टाइम बहरिया टाउन के सबसे बड़े डेवलपर में से एक माने जाते हैं। इनके ऑलमोस्ट 25 to 26 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 4 से 5 इस टाइम इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम एक मेजर इनके प्रोजेक्ट की बात करें जिसका डायरेक्ट रिलेशन बनता है जैस्मिन ग्रैंड मॉल के साथ, उस प्रोजेक्ट का नाम है जैस्मिन मॉल। अगर हम जैस्मिन मॉल की लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये तलवार चौक के मेन बुलेवार्ड की बैक साइड पर लोकेटेड है। 2014 के अंदर ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और टाइमली डिलीवर किया गया क्यूलिंग्स डेवलपर्स की जानिब से। 3 किनाल लैंड के ऊपर ये मॉल बनाया गया था। इस टाइम आप स्क्रीन पे इसके विजुअल्स भी देख सकते हैं। आज मैं जैस्मिन मॉल को इसलिए आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था बिकॉज इसी का सबसिक्वेंट प्रोजेक्ट है जैस्मिन ग्रैंड मॉल, जिसकी हमने आज के व्लॉग में बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जैस्मिन मॉल के हवाले से थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 40 से 45 लाख में शॉप्स ऑफर की गई थी और आज वही शॉप्स की प्राइसेस 2.5 से 3 करोड़ हो चुकी हैं। सेकेंडली अगर हम ग्राउंड फ्लोर को देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रांड सईद गनी बैठा हुआ है, जो कि आपकी ऑलमोस्ट 50 to 60 square feet की शॉप में इस टाइम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। और अगर हम इस शॉप के रेंट की बात करते हैं तो 1,10,000 इस शॉप का रेंट है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पर आपको मल्टीपल स्टॉल्स और काउंटर्स देखने को मिलेंगे जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पर अपीयर भी हो रहे होंगे। तो जो ये काउंटर्स हैं और स्टॉल्स हैं, इनका रेंट आपको फर्स्ट फ्लोर पे 70,000 जनरेट हो रहा है। बेसिकली इस सारी बात का करने का मकसद ये था कि जैस्मिन मॉल को क्यूलिंग्स डेवलपर्स ने कितना ज़बरदस्त बनाया और इधर किस तरह ब्रांड्स को ला के बिठाया, एक बड़े ब्रांड्स को, यूनिवर्स और इंजन जैसे ब्रांड्स को। उनका जो सबसिक्वेंट प्रोजेक्ट इस टाइम जैस्मिन ग्रैंड मॉल बन रहा है। इन तमाम बातों का करने का मेरा मकसद ये था कि आपको अंदाज़ा हो जाए क्यूलिंग्स डेवलपर्स का एक तो एक्सपीरियंस क्या है मॉल्स को आबाद करने के अंदर, सेकेंडली जो इन्होंने आज से 7 से 8 साल पहले चीज़ दी थी उसके अंदर इन्होंने किस तरह ब्रांड्स को लेके आया और वहाँ पर क्या इस टाइम रेंटल इनकम जनरेट हो रही है। अब मैं आपको इन्हीं बातों को कंटिन्यू करते हुए जैस्मिन ग्रैंड मॉल की इम्पॉर्टेंस और इसकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को समझाना चाहूँगा कि इसके अंदर कितना इस टाइम स्कोप है, फ्यूचर के अंदर यहाँ पे आप कितना अच्छा रेंटल इनकम और कैपिटल ग्रोथ देख सकते हैं। जैस्मिन ग्रैंड मॉल की अगर हम लोकेशन की बात करें तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है, आईफल टावर के ऑपोजिट ये मॉल लोकेटेड है, मेन राउंड अबाउट फेसिंग ये मॉल है। और अगर हम जैस्मिन ग्रैंड मॉल की साइज़ की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 7 times बिगर है जैस्मिन मॉल से। इसका जो लैंड है 20 किनाल है। अब जो हमारे पास करंटली जैस्मिन ग्रैंड मॉल के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, वो आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे शॉप्स ऑफर की जा रही हैं। सेकंडली मैं इधर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ये एक 95% ग्रे स्ट्रक्चर रेडी मॉल है, जिसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट्स पे शॉप्स ऑफर की जा रही हैं। और जो शॉप्स की मैं आज आपसे बात करना चाह रहा था वो आपकी ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स बनती हैं। हमारे पास कुछ अवेलेबिलिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर पर भी है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली आपके साथ ग्राउंड फ्लोर की शॉप डिस्कस करना चाह रहा था। हमारे पास एक शॉप यहाँ पे आई है, इस टाइम आपको स्क्रीन पे अपीयर हो रहा होगा कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या बनती है मॉल के अंदर। मेन बुलेवार्ड फेसिंग, मेन राउंड अबाउट फेसिंग ये कॉर्नर की शॉप है और ये इस मॉल की सबसे बड़ी शॉप है। 740 square feet की ये शॉप है। अगर हम इसकी टोटल प्राइस की बात करें तो ये 7 crore 40 lakh की है और इसको आप बुक कर सकते हैं 40% डाउन पेमेंट देके, बाकी अमाउंट आपने 15 मंथ्स में देनी है।
अगर इसमें कोई कैश पेमेंट पे शॉप हासिल करता है तो डेवलपर्स की जानिब से उसको 8% से भी ज़्यादा रेंटल इनकम दी जाएगी, जो कि आपका महाना 5 लाख रुपया बनता है। तो मेरे हिसाब से आज के दौर में और आज की मार्केट सिचुएशन को देखते हुए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। 7.4 करोड़ दे के आप 5 लाख का रेंट इन्जॉय कर सकते हैं। वेयर एज अगर हम इसी लोकेशन में देखें, आप कोई अपना प्लाजा बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपका 9 से 10 करोड़ खर्चा आ जाता है और वहाँ से आपको जो रेंटल इनकम जनरेट हो रही होती है वो आपकी 4-5 लाख के राउंड अबाउट ही होती है, लेकिन वो आपको थ्रू आउट द ईयर नहीं जनरेट हो रही होती, बिकॉज आपके 5 to 6 फ्लोर्स होते हैं और वो तमाम अगर रेंट आउट रहें तब आपको ये रेंटल इनकम जनरेट होती है। वेयर एज एक मॉल के अंदर आप किसी भी ब्रांड को ये शॉप रेंट आउट कर सकते हैं, और यूजली जो ब्रांड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 4 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, बिकॉज कोई भी ब्रांड कहीं पे भी अपने शॉप लेता है या कोई लोकेशन लेता है तो उसकी कोशिश होती है मैं यहाँ पे कम से कम 4 से 5 साल कारोबार करूँ, उससे पहले जो शॉप ओनर है या मेरा लैंडलॉर्ड है मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि एक रेंटल इनकम इन्जॉय करना चाहते हैं और कंसिस्टेंट रेंटल इनकम इन्जॉय करना चाहते हैं। जो हमारे पास मज़ीद इसमें ऑप्शंस आई थी वो आप इस टाइम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे ही आप मॉल की जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे आपको 5 शॉप्स ऑफर की जा रही हैं। 132 स्क्वायर फीट की ये शॉप्स हैं और 2.9 करोड़ इसकी प्राइस है। और जो मैंने आपको जैस्मिन मॉल के हवाले से बताया था कि 50-60 स्क्वायर फीट का जो शॉप है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, वहाँ पे आपको 1,10,000 रेंट आ रहा है। और सेकेंडली वो बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे नहीं है, वो थोड़ा सा आपको आगे जाकर लेफ्ट हैंड साइड पे एस्केलेटर्स के पास मिलती हैं। तो सिमिलरली जब डेवलपर के पास हाई राइज का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, ब्रांड्स के साथ ऐसे कनेक्शंस नहीं थे, उस टाइम डेवलपर ने उस मॉल को इतना अच्छा आबाद किया। अब जब आज डेवलपर्स के पास 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, सेकेंडली उनके ब्रांड्स के साथ अच्छे कनेक्शंस बन चुके हैं, तो इस मॉल को भी आबाद करने में डेवलपर आपकी हेल्प कर रहा होगा। तो मैं यहीं पे एक मेजर पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग रेंटल इनकम और कैपिटल ग्रोथ इन्जॉय करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये ऑप्शन आज है, ये आने वाले 1 से 2 वीक्स में ऑप्शन निकल जाएगी, और उसके बाद जब ये 1.5 साल के अंदर अंदर मॉल आबाद हो चुका होगा तो आप लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे जैसे कि लोग अब जैस्मिन मॉल को देख कर सोचते हैं, काश यार ये 5 से 6 साल पहले मैंने 40 लाख की शॉप ले ली होती तो आज मेरा वही 40 लाख 3 करोड़ हो चुका होता और आज मैं भी इधर से 2 लाख रेंट इन्जॉय कर रहा होता। लेकिन वैसे ही अपॉर्चुनिटी ने आपके दरवाजे पे दोबारा दस्तक दी है, और इस दफ़ा अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने देंगे तो ये अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको ऐसे दस्तक देने नहीं आएगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर आप अवेल करें, और इसमें हमारे पास एक थोड़ी सी लो बजट के अंदर भी ऑप्शन है। अगर आप इसी मॉल के अंदर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको कॉर्नर की और फेसिंग लॉबी शॉप भी एक मिलती है जो कि 1,32,00,000 की ऑफर की जा रही है, 120 स्क्वायर फीट की। 15 फीट का इसका फ्रंट है और 8 फीट इसकी डेप्थ है। इस टाइम स्क्रीन पे वो शॉप भी आपको अपीयर हो रही होगी वो एग्जैक्ट कहाँ पे लोकेटेड है। तो आज की मेरे व्लॉग का मकसद यही था, मैं आप लोगों के साथ इस शानदार कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकूं। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या इस मॉल को विजिट करना चाहते हैं, इस टाइम स्क्रीन पर मेरा नंबर अपीयर हो रहा होगा, आप मेरे से किसी टाइम भी रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको ये मॉल विजिट भी करवाऊंगा और इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगा। ऐसे ही CDB के चैनल को देखते रहें ताकि आप ऐसे ही रियल स्टेट के तमाम मामलों से अपडेट रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।